और YouTube चैनल मेडिकल नर्सेस सब आज हम एक पेपर सॉल्व करने वाले हैं। पेपर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, पूरा हिंदी और इंग्लिश में है। जैसे एज पर योर सिलेबस अभी पेयर मैचिंग के क्वेश्चन आपको बहुत आते हैं एग्जाम में, इवन 25-25 क्वेश्चन, यदि 100 क्वेश्चन आपके पेपर में आए हैं तो 25 क्वेश्चन आपको जोड़ी मिलाव दे दिए जाते हैं। अभी हाल फिलहाल में वैकेंसीज भी अच्छी अच्छी वैकेंसीज निकल रही हैं। NFL की वैकेंसी आई है नर्सिंग वालों के लिए, ANM UPSSC ने तो है सीधा बम्पर धमाका के साथ ही वैकेंसीज निकाल दी हैं, 5,000 प्लस वैकेंसी निकाली गई हैं। तो उनके लिए भी ये क्लासेस है जो सभी के लिए हेल्पफुल रहे, जो रहने वाली है। पेपर हिंदी इंग्लिश में, चाहे आप रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो ये क्लासेस आप सब के लिए है जो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो अपकमिंग आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं उनके लिए बुक है, जो आपकी न्यू बुक हैं जो अवेलेबल करवाई जा रही हैं। ऐसे रेलवे के लिए बुक ऑलरेडी आ चुकी है, और जो भी लोग यदि इनिशियल टाइम में बुक ऑर्डर करते हैं तो आपको अभी ऑफर के साथ है जो बुक्स अवेलेबल हैं, दोनों बुक्स, चाहे वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग CHO NHM बुक हो या फिर रेलवे की गाइड हो, दोनों बुक फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल हैं। आप डायरेक्ट वहाँ से भी बुक्स को ऑर्डर कर सकते हैं। जो भी आपके डाउट वगैरह रह जाते हैं आप वो भी बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। रेलवे के बारे में हम बात करें तो रेलवे की जो बुक आई है बहुत ही अच्छी बुक है, मैं आपको 1 मिनट में दिखा देती हूँ दोनों बुक्स की, आप कैसे बुक्स को है जो है मेडिकल नर्सेज हब की, दोनों बुक आपको विजिबल हो रही हैं, दोनों मेडिकल नर्सेज हब की बुक है। यहाँ पर बुक में आपको बहुत ही अच्छा है जो कंटेंट प्रोवाइड करवाया गया है, बुक में क्या क्या चीज़ें आपको ऐड की गई हैं, तो सब चीज़ें यहाँ पे आपकी, चाहे यदि आप NHM के थ्रू एग्ज़ाम देते हो या किसी भी स्टेट के लिए देते हो, तो यहाँ पर आपको 55 प्लस से ज़्यादा पेपर्स हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा है कि इस बुक में आपको 50 प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के साथ मॉडल पेपर हैं, लेकिन जब इस बुक का जो हमने ISBN लिया था उस टाइम पे यहाँ पे 50 ऐड किए थे, लेकिन आफ्टर दैट आपके जो अप्रैल 2024 तक जो भी एग्ज़ाम हुए देन आफ्टर उनको इसमें ऐड है जो किया गया है। अब हम बात करेंगे रेलवे की बुक की, तो रेलवे की बुक में आपको अभी रिसेंट में ऑफ़र में बुक जा रही है, बहुत सारे ऑर्डर्स भी हैं जो जा चुके हैं ऑलरेडी, बुक सबके पास डिलीवर हो चुकी है। तो यहाँ पर 2000 प्लस MCQs है, 10 मॉडल पेपर आपके मिला दिए गए हैं यहाँ पर, और 10 प्रीवियस ईयर पेपर, साथ में आपको पेपर से जो भी सॉल्व किए गए हैं जिसमें रेशनल की ज़रूरत है तो उसमें रेशनल भी आपको है जो दिया गया है, साथ में 1000 प्लस की पॉइंट्स हैं, जोड़ी मिलाव क्वेश्चन अलग से मॉडल पेपर है यहाँ पर। तो दोनों बुक हैं जो आप ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट पे जाके, आपको दोनों बुक हैं जो अवेलेबल हो जाएंगी। जो भी आपके डाउट वगैरह रह जाते हैं बुक्स को लेके आप वो है जो बेझिझक होके पूछ सकते हैं। पेपर सॉल्व करेंगे यहाँ पे आपके नर्सिंग के अलग अलग है जो सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो आपके 12 या 13 सब्जेक्ट हैं जो कवर होंगे, हर एक उसके आपको 10 या 12 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो आप क्लास में एंड तक जरूर बने रहें, और जो भी लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करें यदि आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं। तो अब जो लोग रेलवे की बुक लेना चाहते हैं रेलवे के लिए ले सकते हैं, और यदि आप गुजरात का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो क्या गुजरात के एग्ज़ाम के लिए आपकी जो NHM गाइड हेल्पफुल होगी? यस, बिल्कुल हेल्पफुल होगी। आप गुजरात का पेपर एक बार उठाइए और किसी स्टेट का NHM या CHO स्टेट लेवल एग्ज़ाम उठाइए, आपको क्वेश्चन है जो बहुत सारे मैच करते हुए मिल जाएंगे एज पर जैसे एग्ज़ाम में आते हैं वैसे ही। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि पेयर मैचिंग है, जो पेयर मैचिंग में आपको क्वेश्चन में एक साइड नर्व दी गई है और दूसरे साइड उनके है जो नाम दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपको नर्व और नाम है, एक साइड नर्व में क्या है, 4th नर्व, 7th नर्व, 5th नर्व और 11th नर्व, जो 12 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व होती हैं। कौन सी 12 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व होती हैं? अब आप उन आपको पूरी 12 नर्व के नाम पता होंगे तो आप इजीली है जो पेयर मैच कर सकते हैं, इजीली आपको है जो पेयर मैचिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी यदि आपको पूरी नर्व्स के नाम पता होंगे तो। अब यहाँ पे देखिए, मिलाइए आप 4th नंबर की क्रैनियल नर्व कौन सी होगी, 4th नंबर की जो क्रैनियल नर्व है वो कौन सी होगी, नर्व है वो कौन सी होगी, वो होगी ट्रोक्लियर। कौन सी? ट्रोक्लियर नर्व। फिर आती है आपकी 7th क्रैनियल नर्व, मतलब कि फेसियल नर्व, जो फेसियल पैरालिसिस होती है, वेल्स पाल्सी होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है।
फिर आपकी आएगी फिफ्थ, फिफ्थ मतलब क्या है ट्राइजेमिनल, और इलेवेंथ मतलब ट्रोक्लियर नर्व। ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का थर्ड। तो यहाँ पर आपका आंसर है जो क्या कहा गया है कि नर्व की आपको पेयर मैचिंग करनी है, तो पूरी 12 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व होंगी। 12 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व ऐसे आपका जो यहाँ पे मैच होगा वो क्या होगा, फर्स्ट जो ए है, ए क्या है फोर्थ क्रैनियल नर्व मतलब कि ट्रोक्लियर नर्व, कौन सी है ट्रोक्लियर नर्व। सेवेंथ मतलब फेसियल नर्व जो कि वेल्स पाल्सी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। फिफ्थ मीन्स ट्राइजेमिनल नर्व, बस्ती है इलेवेंथ मतलब कि एसेसरी नर्व। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा ए बी सी डी में से, ए का हो गया आपका थर्ड, बी का हो गया वन, सी का हो गया फोर्थ और डी का हो गया टू। तो यहाँ पर ये जो पेयर मैच होता है वो होता है ऑप्शन नंबर सी में, किसमें सी में। यहाँ पे आपको एक साइड है जो हिंदी में भी दिया गया है ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, आप हिंदी में भी क्वेश्चन को रीड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा गया है टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रा इन ह्यूमन, तो मानव शरीर में कशेरुकाओं की कुल संख्या कितनी होती है, हाउ मैनी वर्टिब्रा आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, 25, 27, 29 या फिर 33, कितनी कशेरुकाएं होती हैं। तो टोटल यहाँ पर कितनी होंगी, टोटल वर्टिब्रा है जो ह्यूमन बॉडी में कितनी होती हैं, वो होती हैं टोटल 33, 33। कितनी कशेरुकाएं होंगी, 33। 33 का मतलब यहाँ पर 7 सर्वाइकल, आप लोग भी याद रख सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं। 12 थोरेसिक, कितनी 7 सर्वाइकल 12 थोरेसिक, 5 सैक्रल एंड 4 कोकेजियल, क्या है 4 कोकेजियल। तो यहाँ पर आपको टोटल मिला के 33 याद रखना है, सर्वाइकल 7, 12 थोरेसिक, 5 सैक्रल और 4 है जो कोकेजियल। अगले क्वेश्चन में आपको सही और गलत बताना है, द गैस विच स्टिमुलेट्स रेस्पिरेशन एंड ऑक्सीजन, तो यहाँ पर श्वसन को उत्तेजित करने वाली गैस ऑक्सीजन है, क्या ये सही है ट्रू है या फॉल्स है। इस तरीके का क्वेश्चन आपको मोस्ट ऑफली जो आप स्टेट लेवल एग्ज़ाम देते हैं उन पे आपको ज़रूर आते हैं, जैसे केरला में आता है इस तरीके से, छत्तीसगढ़ में भी आपको कई बार इस तरीके से देखने को मिलेंगे। तो जो रेस्पिरेशन को स्टिमुलेट करने वाली गैस है क्या है ऑक्सीजन है, ये सही है या गलत है, तो ये है आपका गलत, क्योंकि यहाँ पर CO2 को स्टिमुलेट करने वाली गैस है जो कार्बन डाइऑक्साइड है नॉट ऑक्सीजन, याद रखिए। रेस्पिरेशन को स्टिमुलेट करने वाली गैस पूछा जाए कभी भी तो वो CO2 होती है, ऑक्सीजन नहीं। अगले क्वेश्चन में कहा है दूध निकालने वाला हार्मोन कौन सा है, विच वन इज़ द मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, मिल्क इजेक्शन क्या है यहाँ पे, मिल्क इजेक्शन प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरोन या फिर एस्ट्रोजन। अब यहाँ पे जो चारों हार्मोन हैं आपको एग्जाम में कुछ ना कुछ रीजन से पूछे जा सकते हैं। फीमेल का जो प्राइमरी सेक्सुअल हार्मोन होता है वो क्या होता है, एस्ट्रोजन। जब मेनोपॉज आते हैं, मेनोपॉज का मतलब पीरियड्स आना स्टॉप होते हैं, तो उस दौरान एस्ट्रोजन का लेवल भी गिरने लगता है और ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन डेवलप होना स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर एस्ट्रोजन हो गया आपका। प्रोजेस्टेरोन एक हेल्दी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हार्मोन में कंसीडर किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन कहा जाता है। प्रोलैक्टिन मतलब होता है प्रोडक्शन के लिए, दूध बनाने के लिए मेमरी ग्लैंड में, ब्रेस्ट में दूध बनाने के लिए जो जरूरी है वो क्या है, प्रोलैक्टिन। लेकिन मिल्क इजेक्ट और यहाँ पर लेट डाउन रिफ्लेक्स के तौर पे भी आप इसको जान सकते हैं, किसके तौर पे, ऑक्सीटोसिन को लेट डाउन रिफ्लेक्स एंड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को लाने के लिए भी यही जरूरी है, लेबर इंड्यूस करने के लिए भी ये जरूरी है, PPH को मैनेज करना है तो उसके लिए भी ये जरूरी है। मतलब ऑक्सीटोसिन के बहुत सारे काम हैं, और प्रोलैक्टिन क्या करेगा, मिल्क बनाने का काम करेगा। यहाँ पर इजेक्शन पूछा है तो ऑक्सीटोसिन और प्रोडक्शन पूछा है तो प्रोलैक्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपको, द पैसेज ऑफ एयर फ्रॉम नोज टू लंग इज एज फॉलोज। अब यहाँ पे आप जब नाक से सांस लेते हैं तो नाक से फेफड़ों तक है जो एयर आपकी किस तरीके से जाती है, पूरा आपको यहाँ पर क्या बताना है, सीक्वेंस कि नाक से आपने जो भी सांस ली वो कैसे गई। तो नोज से जाती है कहाँ पर, यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ। नाक से जब भी आपने सांस ली, एयर एंटर हुई,
नोज से जाती है फेरिंग्स में, आफ्टर फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स में, लैरिंग्स के बाद ट्रेकिया और लंग्स में। कैसे? नाक से सांस ली आपने नोज से, नोज से जाएगी फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रेकिया, फिर लंग्स। नोज के बाद का पार्ट होता है लैरिंग्स, आफ्टर दैट सॉरी नोज के बाद का पार्ट होता है फेरिंग्स। क्या है? फेरिंग्स। आफ्टर दैट लैरिंग्स, जिसको वोकल कॉर्ड भी कहा जाता है, वॉइस बॉक्स। फिर आता है ट्रेकिया, मतलब वाइंड पाइप। आफ्टर वाइंड पाइप के बाद ब्रोंकाई डिवाइड होंगी दो लंग्स के, दोनों लंग्स में जाने के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा? लंग्स। तो सही सीक्वेंस होगा आपका नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया एंड लंग्स। अगले क्वेश्चन में है आपको, द लेयर ऑफ द यूट्रस दैट इज स्लव्ड ऑफ ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। गर्भाशय की वह परत जो मासिक धर्म के दौरान ढीली हो जाती है। पीरियड्स में जो लेयर है, जो यूट्रस की लेयर है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, तो यहाँ पर ये जो लेयर है, इनमें से कौन सी लेयर है जो एक तरीके से हमें कह सकते हैं जिसमें सेडिंग होगी। सेडिंग होना मतलब ब्लड है जो, जब मेंस्ट्रुएशन में ब्लड है जो रिलीज होता है, तो किसके थ्रू होता है? यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर की सेडिंग होने के कारण। सेडिंग होना मतलब यहाँ पर जो ढीले होना टर्म यूज़ किया गया, इसको सेडिंग भी आप कह सकते हैं। तो वो होती है अंतः गर्भ शल्यकला, या फिर आप इसको एंडोमेट्रियम याद रखें, दैट विल बी बेटर फॉर यू। तो यहाँ पर एंडोमेट्रियम क्या है? सबसे इनर, और इसी लेयर में क्या होता है, एक तरीके से हमें कह सकते हैं सेडिंग होना स्टार्ट होता है। तो यही लेयर क्या होगी? मासिक धर्म के दौरान ढीली होगी। नेक्स्ट वन इज आयंस नेसेसरी फॉर नर्व इम्पल्स कंडक्शन। कौन से आयन जरूरी है नर्व इम्पल्स कंडक्शन के लिए? तंत्रिका आवेग के समायन के आवश्यक आयन क्या हैं? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। अब इन चारों में से कौन से आपके हैं जो होंगे? तो नर्व कंडक्शन के लिए सोडियम और पोटेशियम, ये दोनों जरूरी होते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम, कैल्शियम मैग्नीशियम नहीं, कैल्शियम बोन के लिए ज़रूरी है, मैग्नीशियम। तो यहाँ पर नर्व इम्पल्सेस के लिए क्या जरूरी है? सोडियम और पोटेशियम। नेक्स्ट वन, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फ्लो ऑफ नर्व इम्पल्सेस। तो नर्व इम्पल्सेस कैसे फ्लो होंगे? जैसे अभी हमने ऑक्सीजन, जो हम सांस लेते हैं, एयर एंटर करती है हमारी बॉडी में, वो किस वे से जाएगी, वैसे ही यहाँ पर नर्व इम्पल्सेस के लिए सिक्वेंस पूछा है। तो क्या होगा? सेल बॉडी एक्सन टर्मिनल डेंड्राइट्स या फिर एक्सॉन, किस तरीके से जाएगी? पहले तो आता है आपका डेंड्राइट, फिर दूसरे में होगी आपकी सेल बॉडी, फिर होंगे आपके एक्सॉन, एक्सॉन टर्मिनल आपके लास्ट में। टर्मिनल मतलब स्टॉप, बंद होना, किसी भी चीज़ का टर्मिनेट होना। तो यहाँ पर जो सीक्वेंस होगा नर्व फ्लो में, वो क्या होगा? 3-1-4-2। क्या है? 3-1-4-2, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए। फिर से आपको यहाँ पर बोन हीलिंग की स्टेज है, जो क्या करना है? बोन हीलिंग क्या है? हड्डी के उपचार के चरणों के अनुसार निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। अरेंज दी फॉलोइंग एज पर स्टेज ऑफ बोन हीलिंग। बोन हीलिंग के लिए एज पर स्टेज, किस स्टेज में क्या हो रहा है, वो यहाँ पे आपको अरेंज करना है। यहाँ पर जो करेक्ट सिक्वेंस होगा नर्व इम्पल्सिस के लिए, वो क्या होगा आपका? ए 3-1-4-2। क्या होगा? 3-1-4-2 सिक्वेंस यहाँ पे पूछा गया है नर्व इम्पल्सिस के लिए, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? नेक्स्ट है यहाँ पर, अरेंज दी फॉलोइंग एज पर स्टेज ऑफ बोन हीलिंग। तो बोन हीलिंग की जो यहाँ पे स्टेज होंगी, इनको एज पर सीक्वेंस है जो क्या करना है, अरेंज करना है कि आपका सही आंसर है जो क्या होगा। ऑप्शन में है यहाँ पर आपको, सॉरी यहाँ पे जो स्टेज दी गई है, पहले हेमेटोमा फॉर्मेशन, ग्रेन्यूलेशन टिश्यू फॉर्मेशन, बोनी कैलस फॉर्मेशन, या फिर बोन रिमॉडलिंग। अब यहाँ पे आपको सीक्वेंस बताना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले जो बोन हीलिंग है, यदि हड्डी के उपचार की बात की जाए, तो यहाँ पे स्टेजेस पूछी गई हैं। तो हड्डी के उपचार की जो स्टेजेस होंगी, पहले होगा हेमेटोमा फॉर्मेशन। क्या होगा? हेमेटोमा फॉर्मेशन। फिर आफ्टर दैट क्या होगा यहाँ पर? फिर होगा ग्रेन्यूलेशन टिश्यू फॉर्मेशन, फिर होगा बोनी कैलकुलस, आफ्टर दैट द बोन रिमॉडलिंग। बोन रिमॉडलिंग का मतलब है हड्डी का पुनर्निर्माण,
दानेदार ऊतक का निर्माण मतलब ग्रेन्यूलेशन टिश्यू फॉर्मेशन। तो यहाँ पर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज यूज़ की गई है, तो आपके लिए इजी होगा पेपर सॉल्व करना। और मैं बता दूँ कि आज है जो बुक पर, दोनों बुक्स पर जो गाइड है, कंप्लीट गाइड और जो आरआरबी की बुक है, दोनों पर है जो आज ऑफ़र है। तो आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं बुक को, लिमिटेड टाइम तक ही ऑफ़र है जो आपके लिए ऐड किया जाता है फ्लिपकार्ट पर। और जो भी ऑफ़र दिया जाता है, स्पेशली जब फ्लिपकार्ट पे जब दिया जाता है आपको ऑफ़र, तो वो ऑफ़र मेरी तरफ से होता है। तो आप लोग बुक को ज़रूर ऑर्डर है जो किया कीजिए, स्पेशली 24 आवर के लिए कोई भी ऑफ़र सेट किया जाता है तो एटलीस्ट 24 आवर के लिए एप्लीकेबल होता है। तो आप लोग बुक को ऑर्डर ज़रूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अगले क्वेश्चन में कहा गया है द सिंथेसिस ऑफ बाइल अकरिन। तो पित्त का संश्लेषण मतलब कि सिंथेसाइजेशन कहाँ पे होता है, लीवर में, गॉल ब्लैडर, पेंक्रियाज या फिर ड्यूडेनम। आपको ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है। लीवर बनता कहाँ पर है, बाइल, लीवर में। कहाँ पे बनेगा, लीवर में। रिलीज कहाँ से होता है, गॉल ब्लैडर के थ्रू। जब ये जो बाइल है बनेगा और सिंथेसाइजेशन दोनों लीवर में होंगे, तो यहाँ पर यदि आपको पूछें कि बाइल का जो सिंथेसाइजेशन है कहाँ पे होगा, वो होता है लीवर में। कहाँ पे, लीवर में। नेक्स्ट इज माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में फर्स्ट क्वेश्चन है आपको, एस पर जोड़ी मिलाओ। जोड़ी मिलाओ में एक साइड है आपके जो जो भी डिस्कवरीज हुई हैं, और डिस्कवरी किसने की है यहाँ पर दूसरे साइड आपको वो दिया गया है। तो यहाँ पे एक साइड है पेनिसिलिन, पास्टुलेट, पास्टरीकरण और बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। तो कौन सी डिस्कवरी किसने की है। फिर आपको कॉलम बी में रॉबर्ट कोच, फ्रेडरिक ग्रिफ्थ, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एंड लुईस पास्चर। तो आप मिलाइए कि आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा क्या होगा, ए मतलब पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। बी में है आपका पोस्टुलेट आपका आएगा रॉबर्ट कोच ने, पास्टराइजेशन लुईस पास्चर ने। अब क्या बचा, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन एंड फ्रेडरिक ग्रिफ्थ। तो जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन का फ्रेडरिक ग्रिफ्थ आपका आंसर होगा। ए का क्या होगा आपका, 3, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बी का होगा आपका 1, क्या होगा, बी का होगा आपका 1 पोस्टुलेट। फिर पास्टराइजेशन, तो पास्टराइजेशन में कौन आएंगे आपके, लुईस पास्चर, 4th हो गया। डी का क्या होगा, 2nd। सो हियर इज द राइट आंसर इज डी। आपको इस तरीके से यदि पेयर मैचिंग क्वेश्चन आते हैं तो आपको न डरना है न घबराना है। मैं सबसे अच्छी ट्रिक बता दूं कि जब भी आप थ्योरी वगैरह पढ़ते हैं किसी भी सब्जेक्ट की, चाहे माइक्रोबायोलॉजी हो, पैथोलॉजी हो, एनाटॉमी हो, तो आपको यदि उनकी जो टर्मिनोलॉजी है वो क्लियर होगी, तो आपको जोड़ी मिलाने में या कोई डेफिनेशंस हैं आप उस चीज़ को पूरा जानते होंगे, क्लियर कट होंगे, तो आपको जोड़ी मिलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, काउफमैन वाइट स्कीम इज यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ। तो यहाँ पर जो काउफमैन वाइट वर्गीकरण है किस जीवाणु के पता करने के लिए यूज होता है। अब यहाँ पे देखिए 4 दिए गए हैं, उनमें से आपको सिलेक्ट करना है कौन से हैं, साल्मोनेला स्पीसीज, सीजेला स्पीसीज, बैसिलस स्पीसीज, स्टेफाइलोकोकस स्पीसीज। कौन सी स्पीसीज के लिए यूज किया जाता है। तो जो काउफमैन वाइट स्कीम है, क्या है यहाँ पर, काउफमैन वाइट स्कीम, क्या है, काउफमैन वाइट स्कीम यूज़ की जाती है साल्मोनेला कैटेगरी की स्पीसीज के लिए। जैसे साल्मोनेला टाइफी होता है, क्या है, साल्मोनेला टाइफी भी होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, ओनली द फर्स्ट, अदर देन किसी के लिए नहीं। जो काउफमैन वाइट स्कीम है जनरली, इसमें जो भी साल्मोनेला स्पीसीज के जो भी बैक्टीरिया हैं, जितने भी साल्मोनेला स्पीसीज के बैक्टीरिया हैं, उनकी यहाँ पे है जो क्लासिफिकेशन है, जो इस स्कीम के तहत किया जाएगा। जैसे साल्मोनेला टाइप ही, पैरा टाइप ही, और भी हैं जो
साल्मोनेला अगोना जो बहुत रेयरली हम यूज़ करते हैं, मोस्टली है जो टाइफी पैराटाइफी और यहाँ पर साल्मोनेला निडोलो या फिर डबलिन, इस तरीके से जितनी भी हैं, लेकिन हम जो मेनली दो यूज़ करते हैं नर्सिंग में, तो हमारी तो क्या होगी साल्मोनेला स्पीसीज फॉर द कॉफमैन वाइट वर्गीकरण और स्कीम। अगले क्वेश्चन में हु गिव द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, पांच साम्राज्य वर्गीकरण किसने दिया था, कार्ल बॉयस, रॉबर्ट वेटकर, रॉबर्ट कोच या फिर जोसेफ लिसर ने, किसने दिया था जो पांच साम्राज्य वर्गीकरण हमने, ये है जो इलेवेंथ में पढ़ा है, एक क्वेश्चन आपने इलेवेंथ में है जो पढ़ा है, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में आता है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगई, प्लांट एंड एनिमल, क्या है पांच किंगडम होते हैं जो पांच किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने यही पढ़ा है ना, मोनेरा, क्या है आपका मोनेरा, प्रोस्टेट, फंगई, प्लांट, एनिमल्स। मोनेरा में आपके बैक्टीरिया वगैरह हैं वो सब हैं, प्रोस्टेट में जो फंगई, प्रोस्टेट, प्लांट और एनिमल्स, ये अलग अलग यहाँ पे करके इनको डिवाइड किया गया है। और ये दिया किसने है, दिया किसने है, तो ये दिया है रॉबर्ट विटकर ने, किसने, रॉबर्ट विटकर ने। नेक्स्ट वन, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप टू कैरी आउट स्टैंडर्ड प्लेट काउंट, स्टैंडर्ड प्लेट काउंट के लिए जो लिक्विड फूड प्रोडक्ट हैं यहाँ पर इसको सही क्रम में जमा है, मानक प्लेट गणना है जो किसी तरल पदार्थ के मानक प्लेट गणना के रूप में इसको सही से जमा है, यहाँ पर दिया गया है सीरियल डायल्यूशन, सैम्पलिंग, काउंटिंग, पावर प्लेटिंग, इंक्यूबेशन, जो आपका सही सिक्वेंस जमेगा वो कौन सा होगा, पहले तो आपका होगा सैम्पलिंग, किसी भी चीज़ का सैम्पल, फिर उसको सीरियल सीक्वेंस वाइज डाइल्यूट करना है, फिर पॉर करना है मतलब डालना है, एंड देन आपका आएगा इनक्यूबेशन, एंड लास्ट वन इज़ द काउंटिंग। तो यहाँ पे आप लोग अरेंज कीजिए, आपका जो फर्स्ट क्या होगा सैम्पलिंग, फिर होगा सीरियल डाइल्यूशन, फिर आपका होगा पॉर प्लेटिंग, यस पोर प्लेटिंग, फिर आपका होगा इनक्यूबेशन, फोर्थ वन, लास्ट वन इज़ द काउंटिंग। क्लियर कट, तो यहाँ पे किस में मैच हो रहा है आपका, दो एक, क्या है, दो एक पाँच, सॉरी दो एक चार पाँच तीन, यहाँ पे नहीं है, ये है इधर सी में। क्लियर, नेक्स्ट वन, अरेंज द डिफरेंट स्टेप ऑफ ग्राम स्टेटिंग स्टैनिंग इन करेक्ट ऑर्डर, यहाँ पर ग्राम स्टैनिंग है जो इसका सही सीक्वेंस जमाना है, सेफ्रेनिन स्टेन एप्लीकेशन, आयोडीन ट्रीटमेंट, स्मियर प्रिपरेशन, क्रिस्टल वायलेट स्टेन एप्लीकेशन, एल्कोहल ट्रीटमेंट और डीकलराइजेशन। तो यहाँ पर आपको इसमें भी क्या करना है, सिक्वेंस में जमाना है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, पहले आएगा स्मियर प्रिपरेशन, किसी भी चीज़ को रेडी करना है आपको, देन आफ्टर क्रिस्टल वायलेट स्टेन एप्लीकेशन, फिर आपका आएगा आयोडीन ट्रीटमेंट, फिर आपका आएगा एल्कोहल ट्रीटमेंट, लास्ट इज द सेफ्रिन। जो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक हम यूज़ करते हैं, जो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक, जील नेल्सन टेक्निक वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उसी से रिलेट करता क्वेश्चन है। तो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक में जो सीक्वेंस होंगे वो पूछे हैं, और वो आपके होंगे तीन चार दो पाँच एक, थ्री फोर टू फाइव वन। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ फंगई, फंगई की स्टडी क्या कहलाएगी, फाइकोलॉजी, एंटोमोलॉजी, जूलॉजी या फिर माइकोलॉजी। फंगई को हम क्या कहते हैं, माइकोलॉजी, यहाँ पे क्या है इसकी स्टडी है, माइकोलॉजी। नेक्स्ट वन, इच ऑफ दी फॉलोइंग इज अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, हमने जो एमएससी वाला पेपर किया था उसमें ग्राम नेगेटिव था, ये पोस्ट बेसिक बीएससी वालों का है, तो यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव पूछा है, लैक्टोबैसिलस, लिस्टीरिया, साल्मोनेला या फिर बैसिलस, कौन सी स्पीसीज है जो यहाँ पर कौन सी है ग्राम पॉजिटिव। तो ग्राम पॉजिटिव लैक्टोबैसिलस भी है, दूध फटने के लिए जिसको आप जानते हैं जनरली, लिस्टीरिया भी है और बैसिलस भी है।
फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ वन, ये तीन है, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, तो यहाँ पे वो क्या होगा डी। नेक्स्ट वन इज विच इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ बीएसएल लैब, बायोसेफ्टी लेवल लैब, इनमें से बायोसेफ्टी लेवल लैब कौन सा है हाईएस्ट, बीएसएल 3, 4, 5 या फिर 6, तो वो होगा यहाँ पे आपका बीएसएल 4, क्या होगा बीएसएल 4। नेक्स्ट वन, लॉग फेज ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व इज ऑल्सो नोन एज, हमने पढ़ी है चार फेज पढ़ी है, तो यहाँ पर जो फेज है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व की, तो लॉग फेज को किस नाम से जाना जाता है, अलजेब्रिक एक्सो पोटेंशियल, जियोमेट्रिक और क्वांटिटेटिव, कौन सी फेज के नाम से जानते हैं हम इसको, तो है एक्स पोटेंशियल, क्या है एक्स पोटेंशियल फेज या फिर आपकी घातीय फेज, आपको लॉग की जगह जो फेजेस है क्या है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व में, क्या है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व की जो फेजेस है वो एग्जाम में आपको आती हैं, लैग फेज, एक्सो पोटेंशियल फेज जो यहाँ पे आपको दी गई है, फिर आती है स्टेशनरी फेज, लास्ट इज अ डेथ फेज। तो यहाँ पर आपको चारों स्टेज हैं जो बैक्टीरियल ग्रोथ फेज की याद रखना है, लैग, लॉग, एक्सोपोटेंशियल, सॉरी लैग फेज, लॉग फेज और एक्सोपोटेंशियल, स्टेशनरी एंड डेथ फेज, चार फेज होती हैं जो यहाँ पर मैंने बताई हैं आपको, लैग, लॉग और जिसको हम एक्सोपोटेंशियल भी कहते हैं, फिर आती है आपकी स्टेशनरी फेज, लास्ट इज द डेथ फेज। अब आपको एक साइड रीजन दिया है और एक असर्शन दिया है, अब आपको बताना है कि सही क्या, एक साइड कहा गया है कि जीवाणु वृद्धि वक्र के स्थिर चरण में जीवाणुओं की संख्या में कोई शुद्ध बढ़ोतरी नहीं होती है, तो दूसरे में कहा है कि बैक्टीरियल सेल्स आर ग्रोइंग एक्सोपोटेंशियली इन स्टेशनरी फेज ऑफ अ बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। अब यहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व से ही आपको क्वेश्चन यहाँ पे भी है, एक में क्या कहा है आपको कि जो नो नेट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बैक्टीरियल स्टेशनरी फेज में जो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व है उसमें नंबर नहीं बढ़ेंगे, और फिर दूसरे में रीजन में कहा है कि बैक्टीरियल सेल्स आर ग्रोइंग एक्सपोटेंशियली इन स्टेशनरी फेज बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। अब आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पर असर्शन तो सही है, जो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व की स्टेशनरी फेज है क्या है यहाँ पर, ये सही है, लेकिन रीज़न है जो गलत दिया गया है, क्योंकि दोनों में तो एक साथ बढ़ेंगे, एक में बढ़ रहा है और एक में नहीं बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर स्टेशनरी फेज में क्या है यहाँ पर बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व में कोई बढ़ोतरी नंबरिंग में नहीं होगी बैक्टीरिया की, लेकिन जो रीज़न है वो क्या है गलत है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, असर्शन इज़ अ ट्रू एंड रीज़न इज़ द फॉल्स। नेक्स्ट है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में कहा गया है पहले क्वेश्चन में ही कि ब्रेडन स्केल इज़ यूज्ड फॉर असेसिंग द रिस्क ऑफ, सबको पता है ब्रेडन स्केल का यूज़ किसके लिए किया जाता है, डेक्यूबिटस अल्सर के लिए, डायबिटिक मेलाइटिस, हाइपरटेंशन या फिर यूटीआई के लिए, तो हाप्स है जो एक फॉर्मूला होता है वो यूज़ होता है हाइपरटेंशन के लिए, डायबिटीज़ के लिए आप थ्री पीज़ वाला फिनोमिना याद रखें, यहाँ पर जो ब्रेडन स्केल है डेक्यूबिटस अल्सर और प्रेशर अल्सर के लिए यूज़ की जाती है कि कितने जो स्टेज है चार स्टेज है वो कितने अंदर तक है जो अल्सर है जो हो चुका है, क्या फ्रिक्शन रहा है, किस तरीके से मॉइस्चराइजिंग, ये सब चीज़ें। अब नेक्स्ट है यहाँ पे आपको कि इंस्ट्रूमेंट है और उनके क्या यूज़ हैं, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से मैं बता दूँ आपको, नॉर्सेट, नॉर्सेट, ESIC, UPSSC, ANM, GNM, आजकल सभी एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं पेयर मैचिंग के, तो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट में पहला इंस्ट्रूमेंट क्या है, स्नेलन चार्ट, गोनियोमीटर, ऑक्यूलोमोटर, टेस्ट ऑफ ट्यूनिंग फोक। अब ये इंस्ट्रूमेंट है, अब नीचे इनके यूज़ दिए गए हैं कि किसका यूज़ क्या होगा, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, एक साइड आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, एक साइड दिया गया है आपको इंस्ट्रूमेंट, तो स्नेलन चार्ट किसके लिए यूज़ होता है, विज़न के लिए, क्लियर है, मिलाते जाइए, स्नेलन चार्ट विज़न के लिए, फिर गोनियोमीटर किसके लिए यूज़ किया जाएगा, रेंज ऑफ मोशन के लिए, मतलब कि यहाँ पे बी हो गया फोर्थ। अब है ऑक्यूलोमोटर टेस्ट किसके लिए यूज़ होता है, ऑक्यूलोमोटर टेस्ट यूज़ किया जाता है क्रैनियल नर्व की फंक्शनिंग को चेक करने के लिए। ट्यूनिंग फोक, ट्यूनिंग फोक किसके लिए होगा, हियरिंग एक्यूटी के लिए, किसके लिए, हियरिंग एक्यूटी के लिए।
आपका आंसर क्या होगा कि स्नेलन चार्ट किसके लिए, देखने के लिए, गोनियोमीटर किसके लिए है, रेंज ऑफ मोशन, फिर ऑक्यूलोमोटर नर्व की फंक्शनिंग के लिए, ट्यूनिंग फोर्क सुनने के लिए। तो यहाँ पर जो आपका सीक्वेंस बनेगा वो क्या होगा, ए का टू, बी का फोर, देखिए ए का टू, बी का फोर, सी का वन, डी का थ्री, आंसर इज द बी। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन इन ऑर्डर। तो यहाँ पर स्टेज है इन्फेक्शन की, ऑर्डर में जमाना है, प्रोड्रोमल, क्लिनिकल, इंक्यूबेटरी और कन्वर्जेंट स्टेज। कन्वर्जेंट को तो रिकवरी फेज भी हम कहते हैं, तो अब यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, तो कन्वर्जेंस तो रिकवरी हो गया तो ये लास्ट में ही जाएगा, ठीक है, कन्वर्जेंट रिकवरी कहलाता है तो ये लास्ट में जाएगा। अब यहाँ पे आपका आता है प्रोड्रोमल, क्या है प्रोड्रोमल, पहले होगा इंक्यूबेटरी पीरियड, मतलब साइन सिम्टम है जो शो करेगी हमारी बॉडी, फिर आएगी प्रोड्रोमल, फिर क्लिनिकल, लास्ट इज द कन्वर्जेंट। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा, डी सी, सॉरी सी ए बी डी, क्या होगा, सी ए बी डी। नेक्स्ट है फेलियर इन द प्रोफेशनल प्रैक्टिस दैट लीड्स टू हार्म टू द पेशेंट इज नोन एज। यदि हमारी लापरवाही के कारण आपके पेशेंट को नुकसान होता है तो वो क्या है, लापरवाही है, नेग्लिजेंस, बैटरी, माल प्रैक्टिस या फिर असॉल्ट है, क्या कहलाएगा। यदि हमारी लापरवाही के कारण हमारे पेशेंट को कुछ दिक्कत हो जाए तो वो माल प्रैक्टिस कहलाएगी, क्या कहलाएगी, माल प्रैक्टिस है जो कहलाएगी, ध्यान कहीं और है और आपने जाके किसी और को दवाई लगा दी तो ये। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द बेस्ट पोजीशन फॉर इंसर्शन ऑफ रायल्स ट्यूब। रायल्स ट्यूब के लिए सबसे अच्छी पोजीशन क्या होती है, तो वो होती है हाई फॉलोअर्स पोजीशन, क्या है, हाई फॉलोअर्स पोजीशन। जो भी प्रोसीजर होते हैं हमारी नर्सिंग में, मोस्ट ऑफ दी प्रोसीजर नर्सिंग वालों को ही करने पड़ते हैं, तो जितने भी प्रोसीजर होते हैं उनमें पोजीशन, जो ट्यूब्स हैं, क्या इंडायमीटर है जो यूज़ किया जाता है, फ्रेंच इंडायमीटर, वो सब आपको याद रखना है। अभी मैं बता दूं कि यदि हाल फिलहाल के एग्ज़ाम्स की हम बात करें तो चाहे आप नॉर्सेट की तैयारी कर रहे हों या किसी स्टेट लेवल की कर रहे हों, आपको मेहनत बराबर ही करनी पड़ेगी। बस स्टेट लेवल में हो ये जाता है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, बट कुछ कुछ स्टेट में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। नेक्स्ट आपको असर्शन है और रीजन है कि क्या सही है और क्या गलत है। असर्शन में कहा है कि एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, क्या है, एयर पुअर कंडक्टर है हीट की। फिर दूसरे में कहा है प्रेजेंस ऑफ एयर इन द हॉट वाटर बॉटल एंड आइस बैग्स कैन रिड्यूस द हीट कंडक्शन मेकिंग द ट्रीटमेंट लेस इफेक्टिव। तो यदि वायु ऊष्मा की क्या है, कुचालक है, मतलब यहाँ पर क्या है, ये सही है। और दूसरे में क्या कहा है कि यदि एयर प्रेजेंट हो गर्म पानी की बोतलों और बर्फ की थैलियों में, हवा की उपस्थिति गर्मी संचालन को कम कर सकती है जिससे उपचार कम प्रभावी हो जाता है, ये भी सही है। मतलब यहाँ पे दोनों ही पॉइंट क्या हैं, सही हैं। नेक्स्ट है आपको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपोकैल्सेमिया। यदि हमारे ब्लड सीरम में कैल्शियम का लेवल कम हो जाए तो वो है क्लिनिकल साइन बताना है कि क्या होंगे, नमनेस एंड टिंगलिंग, शॉर्टनेट क्यूटी इंटरवल इन ईसीजी, चौबोस्टिक साइन और ट्राउजी साइन। अब आपको कुछ तो याद आ रहा होगा, तो यहाँ पर चौबोस्टिक साइन देखने को मिलता है, ट्राउजी भी मिलेगा और नमनेस भी होगी कैल्शियम की कमी के कारण, तीनों होंगे, नमनेस होगी, टिंगलिंग सेंसेशन, चौबोस्टिक और ट्राउजी दोनों साइन देखने को मिलते हैं, तो क्लासिकल साइन माने जाते हैं हाइपोकैल्सीमिया के, और नमनेस भी होगी, तो आपका आंसर होगा ए सी एंड डी, क्या है, ए सी एंड डी। नेक्स्ट वन, द पेशेंट असेसमेंट इंक्लूड द फॉलोइंग टाइप ऑफ अप्रोच। तो यहाँ पर किसी भी पेशेंट के असेसमेंट में क्या क्या चीज़ इंक्लूडेड होंगी, इमरजेंसी, फोकस्ड, कॉम्प्रिहेंसिव डायग्नोसिस, अब यहाँ पे आपको कौन से ऑप्शन यहाँ पे आपके मैच करेंगे, इमरजेंसी भी होना चाहिए, फोकस्ड भी होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव भी होना चाहिए असेसमेंट में। डायग्नोसिस आपका अलग पॉइंट होगा, डायग्नोसिस अलग हो जाएगा, तो इमरजेंसी, फोकस्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव। नेक्स्ट वन,
द पेशेंट कैन ब्रीथ ओनली इन एन अपराइट पोजिशन इट इज कॉल्ड, जब पेशेंट आपका सीधी स्थिति में ही सांस ले सके तो क्या एपनिया है, सांस में जो एब्सेंस हो जाए, ऑर्थोपनिया, टेकेपनिया है, ब्रेडिपनिया, टेकेपनिया में बढ़ जाएगी रेस्पिरेटरी रेट और ब्रेडिपनिया में घट जाएगी, ऑर्थोपनिया में लेटेंगे तो होगा, जब आपका पेशेंट अपराइट पोजिशन में ही सांस ले पाए तो ये क्या कहलाएगा, ऑर्थोपनिया, क्या होगा, ऑर्थोपनिया। नेक्स्ट यहाँ पर हैंड वॉशिंग को एक ऑर्डर में जमाना है, पहले हथेलियों और उंगलियों को धोएं, फिर अंगूठे धोएं, उंगलियों और पैरों को धोएं, देन वॉश बैक ऑफ हैंड। तो यहाँ पर क्या आपका है जो वॉशिंग ऑर्डर होगा सही, पहले वॉश पाम एंड फिंगर, वॉश पाम एंड फिंगर, फिर वॉश बैक ऑफ हैंड, एंड देन वॉश फिंगर एंड नकल्स, लास्ट वन इज द थंब। मैच करिए आप लोग, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, क्या होगा, ए डी सी बी, ए डी सी बी, ऑप्शन इज बी। आपको इस जो पेपर है इसमें आपको इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, मे बी 50% पेपर आपको जोड़ी मिलाओ एसर्शन और जो चार दिए हैं उन चार में से दो तीन कौन सा सही होगा, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन इस पेपर में आपको मिलेंगे। अगले क्वेश्चन में हमारी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, समुदाय स्वास्थ्य नर्सिंग जो हमने पढ़ा है वही है यहाँ पर। तो क्वेश्चन में कहा है कि प्रति वर्ष प्रति 1000 जीवित जन्मों पर जीवन के पहले 28 दिनों के अंदर बच्चों की मृत्यु की संख्या क्या कहलाएगी, नंबर ऑफ डेथ ऑफ चिल्ड्रन अंडर द फर्स्ट 28 डेज ऑफ लाइफ। ध्यान से देखें क्वेश्चन, पहले 28 दिनों के अंदर 1000 लाइफ बर्थ में यदि बच्चों की डेथ हो जाए तो ये क्या कहलाएगा, पेरीनेटल मॉर्टलिटी, न्यूनेटल, मैटरनल या इन्फेंट। इन्फेंट 1 ईयर तक में कंसीडर होगी यदि 1000 पर डेथ हो। मैटरनल कंसीव करने से लेके डिलीवरी होने के 42 दिनों तक यदि माँ की डेथ हो जाती है वो कहलाता है मैटरनल मॉर्टलिटी। न्यूनेटल में 28 डेज तक का ही यदि बच्चा है और उसके अंदर बच्चे की डेथ हो जाए तो वो कहलाएगा क्या, NMR, न्यूनेटल मॉर्टलिटी रेट। क्लियर। नेक्स्ट वन, इन इंडिया एज पर RCH विच वन इज द फर्स्ट रेफरल यूनिट, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ के हिसाब से फर्स्ट रेफरल यूनिट कौन सी है, सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर और सब कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, तो वो होते हैं CHC। क्या है, CHC, जनता की बात करें हम तो 80,000 से लेके 1,20,000 तक की जो पॉपुलेशन है उसके लिए है, सब सेंटर 3 to 5,000, प्राइमरी सेंटर 20 to 30,000 पॉपुलेशन के बीच के लिए हैं। क्लियर। तो फर्स्ट रेफरल यूनिट क्या होगा, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, स्वास्थ्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। नेक्स्ट, अब आपको फिर से मिलाना है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप इन फॉर्मुलेशन ऑफ फैमिली हेल्थ नर्सिंग प्रोसेस एट प्लानिंग फेज। पारिवारिक स्वास्थ्य नर्सिंग जो नियोजन चरण है, मतलब फैमिली प्लानिंग है, पारिवारिक स्वास्थ्य नर्सिंग प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों क्रम में व्यवस्थित करना है, सेटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, एस्टेब्लिशिंग प्रायोरिटीज, फॉर्मुलेटिंग फैमिली हेल्थ एंड नर्सिंग केयर प्लान, एनालाइज द हेल्थ प्रॉब्लम एंड असेसमेंट ऑफ फैमिली एबिलिटीज। क्या है जो आपके मैच होंगे, सबसे पहले तो प्रॉब्लम पता करेंगे आप, प्रॉब्लम आपको क्या करना है, पता करना है, मतलब एनालिसिस करना है, तो एनालिसिस कहाँ दिया गया है आपका, तो सेटिंग है, एस्टा प्रायोरिटी आ जाएंगी, फॉर्मुलेट करना है NCP, तो पहले आपका आएगा डी, क्या होगा डी, फिर आपको प्रायोरिटी बनाना है, क्या है, फिर आपको प्रायोरिटी बनाना है, फिर आपको गोल बनाने हैं, लास्ट में आप NCP बनाएंगे, डी बी ए सी, कहाँ है डी बी ए सी, इधर। नेक्स्ट वन, द प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर इंक्लूड
प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के क्या सिद्धांत हैं, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन भी है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी है, यूनिसेक्टरल अप्रोच है, एप्रोप्रिएटनेस एंड कंटिन्यूटी है, क्या है यहाँ पर आपका ए बी डी। एक क्षेत्रीय नहीं है, बहुक्षेत्रीय है, एक क्षेत्रीय नहीं है, बहुक्षेत्रीय, इसलिए कट गया। तो आपका ए बी और डी है, क्या है आपका आंसर ए बी एंड डी। नेक्स्ट है आपको असर्शन और रेशियो। असर्शन में कहा है कि इन पैसिव इम्यूनिटी द बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस इट्स ऑन एंटीबॉडीज बट डिपेंड अपॉन रेडीमेड एंटीबॉडीज। दूसरे में कहा है पैसिव इम्यूनिटी रैपिडली एस्टेब्लिश एंड प्रोड्यूस इट इज ओनली टेम्पररी, कुछ दिनों कुछ महीनों के लिए, टिल द एंटीबॉडी इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। अब आपका सही यहाँ पर क्या होगा, दोनों सही है, एक गलत एक सही है, क्या होगा? दोनों ही सही है कि जो आपकी पैसिव इम्यूनिटी है, बॉडी खुद से नहीं बनाती, बाहर से आप देंगे, क्लियर, रेडीमेड एंटीबॉडी। और जो रीज़न दिया गया है कि ये कुछ टाइम के लिए टेम्पररी ही आपकी बॉडी में इम्यूनिटी बनाएगी, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा ए। नेक्स्ट वन, मैच दी फॉलोइंग, यहाँ पर हेल्थ प्लानिंग कमेटी को इन किस साल में कौन सी कमेटी आई है वो बताना है। स्वास्थ्य योजना समिति और हेल्थ प्लानिंग कमेटी, कौन सी कमेटी किस साल में आई है, इससे आपको यहाँ पे मैच करना है। तो यहाँ पे आप किसको मैच करेंगे, ए में क्या है आपकी, भोर कमेटी सबसे पहले आई थी, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, भोर कमेटी 1946, सर जोसेफ भोर इसके चेयरमैन थे। फिर एक करतार सिंह कमेटी, ये आई थी 1973 में, करतार सिंह कमेटी कब आई थी 1973 में। फिर है मुदलियार कमेटी, मुदलियार कमेटी आई थी 1962 में, 1963 में आई थी चड्डा कमेटी। अब आप मैच कीजिए क्या क्या हो गया, ए का सेकंड, बी का वन, डी का फोर, सॉरी सी का फोर, डी का थ्री। बोर कमेटी दी थी कब आई थी 1946 में, फिर आई थी करतार सिंह 1973 में, फिर आपकी आई थी 1962 में मुदलियार कमेटी, और चड्डा कमेटी आई थी 1963 में, 1963, क्लियर। अगला क्वेश्चन है हमारा, द डेटा कलेक्शन टेक्निक यूज्ड इन द कम्युनिटी असेसमेंट इंक्लूड। तो डेटा कलेक्शन टेक्निक है हमारी कम्युनिटी में, क्या क्या इंक्लूडेड होंगे। अब यहाँ पे चार आपको दिए गए हैं, चार में से आपको कौन से सही हैं, संगठन और समस्या की तुलना, ऑर्गेनाइजेशन और कंपैरिजन करना है प्रॉब्लम को, मेकिंग एप्रोप्रिएट जजमेंट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इन्वेस्टिगेशन एंड मेजरमेंट। अब करेक्ट आंसर चूज करना है कि जो डेटा कलेक्शन की टेक्निक है कम्युनिटी असेसमेंट में, क्या क्या इसमें सही पॉइंट है। तो यहाँ पर जजमेंट सही बनाना है, कम्युनिकेशन सही करना है आपको, इन्वेस्टिगेशन करना है, मतलब यहाँ पे आपकी होगा बी सी एंड डी। क्या है, बी उचित निर्णय लेना है, प्रभावी संचार और इन्वेस्टिगेशन वगैरह है जो प्रॉपर कर लेनी है। नेक्स्ट, आशा वर्कर वर्क एट विच लेवल। तो आशा कार्यकर्ता किस लेवल पर काम करती है, सबको पता है ग्रामीण लेवल पर, गांव लेवल पर। इनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में तो अपॉइंट किया नहीं जाएगा, ना पीएससी ना सीएससी में, सब सेंटर में जा सकती हैं। लेकिन यदि आपको क्वेश्चन में, सॉरी ऑप्शन में गाँव लेवल या विलेज लेवल हो, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले मार्क करना है। फुल फॉर्म पूछें, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। नेक्स्ट वन है आपका क्वेश्चन, अरेंज दी फॉलोइंग स्टेप ऑफ बैग टेक्निक। जब आप बैग टेक्निक, जो बैग लगाते हैं कम्युनिटी पोस्टिंग में आप जाते हैं, तो यहाँ पर क्या स्टेप होंगे, स्प्रेड न्यूज़पेपर ऑन अ फ्लैट क्लीन सरफेस एंड प्लेस द बैग, प्रिपेयर अ डिस्पोजल बैग यूजिंग न्यूज़पेपर, फोल्ड द न्यूज़पेपर विथ यूज्ड साइड इनसाइड एंड प्लेस इट इन द आउटर पॉकेट एंड कैरी द बैग, गिव द न्यूज़पेपर बैग विथ यूज्ड कॉटन टू फैमिली फॉर डिस्पोजल बाय बर्निंग। सीक्वेंस क्या होगा, ये हम लोग ने बहुत लगाया है जब भी ट्रेनिंग में जाते थे, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में, तो बहुत सिखाया जाता था। तो यहाँ पर क्या होगा आपका सीक्वेंस, तो यहाँ पे आपको न्यूज़पेपर स्प्रेड करना है क्लीन सरफेस पर, बैग रखना है उस पर, अखबार को समतल सतह पर फैलाएं, बैग रखें, फिर आपको अखबार का उपयोग करके ही, क्या है न्यूज़पेपर है उसका उपयोग करके ही
डिस्पोजल बैग बनाना है। फिर आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर बैग विथ यूज्ड कॉटन, जो भी कॉटन वगैरह आपने यूज़ किए हैं फैमिली को दे सकते हैं आप। फिर न्यूज़पेपर को फैलाना है और बैग में बाहर साइड के पॉकेट में आपको रख लेना है। तो सीक्वेंस आप मैच करिए, कौन सा आपका मैच हो रहा है, तो होगा आपका ए बी डी सी, ए बी डी सी लास्ट में रखेंगे ना आप जो यूज न्यूज़पेपर किए पॉकेट में बाहर साइड। नेक्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ रिस्क फैक्टर रिलेटेड टू अ डिसीज कंडीशन इट इज नोन एज, किसी रोग की स्थिति के संबंध में जोखिम कारकों की रोकथाम को क्या कहा जाता है, प्रिमोर्डियल प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, टर्सरी प्रिवेंशन या फिर सेकेंडरी प्रिवेंशन, किस नाम से जाना जाता है। तो कोई भी डिसीज के रिस्क फैक्टर से रिलेट करते हुए चीज़ों को हमें प्रिवेंट करना है तो कहलाता है प्रिमोर्डियल प्रिवेंशन। नेक्स्ट, इन्वायरमेंटल हाइजीन, इन्वायरमेंटल हाइजीन ने देखिए कहा क्या कहा गया है, कौन सा पॉल्यूशन रिस्पॉन्सिबल है नॉक नी सिंड्रोम के लिए, फ्लोराइड, मरकरी, आर्सेनिक या फिर लीड। अब बताएं इनमें से कौन सा है जो रिस्पॉन्सिबल है नॉक नी सिंड्रोम, किसके लिए, नॉक नी सिंड्रोम। नॉक नी सिंड्रोम यहाँ पे आपने नाम तो सुना ही होगा, तो अब इस जो नॉक नी सिंड्रोम है, क्या है नॉक नी सिंड्रोम, मतलब कि यहाँ पर ऐसी कंडीशन जिसमें जो घुटने हैं आपके इनवर्ड अंदर की तरफ मुड़ जाएंगे, एंकल हैं जो बाहर की तरफ रहेंगे, घुटने अंदर की तरफ मुड़े हुए टाइप रहेंगे, कहलाता है नॉक नी सिंड्रोम। इसका मेन रीज़न क्या होता है, मेन रीज़न यहाँ पे आपका विटामिन डी की कमी हो सकती है, कैल्शियम की कमी हो सकती है, ऑस्टियोपोरोसिस या बोन में कुछ प्रॉब्लम है उसके कारण। तो यहाँ पर जो इन जितनी भी चीज़ें दी गई हैं, तो बोन में हमें क्या है ज़रूरी, फ्लोराइड, क्या है फ्लोराइड। तो यहाँ पर नॉक नी सिंड्रोम के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, वो होगा फ्लोराइड पॉल्यूशन, मतलब कि ओनली ए। नेक्स्ट इज व्हाट कॉज एयर पॉल्यूशन नेचुरली, तो जो एयर पॉल्यूशन नेचुरली प्राकृतिक रूप से वायु प्रदूषण के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होगा, वॉल्केनोस, डस्ट स्टॉर्म, एग्रीकल्चरल रन ऑफ या फिर नन ऑफ द अबव, क्या होगा यहाँ पर जो नेचुरल पॉल्यूशन होता है उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। नेचुरल के लिए तो ज्वालामुखी और धूल भरी आंधी, बाकी जो पानी है सिंचाई वगैरह का तो उसको तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन पोल्यूशन की बात की गई है तो वो होगा धूल भरी आंधी, क्योंकि वायु प्रदूषण की बात की गई है वॉल्केनोज, दोनों का धुआं है जो रिस्पॉन्सिबल होगा, मतलब फर्स्ट सेकेंड ए। सॉरी सी होगा यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड के लिए। नेक्स्ट वन, द की फैक्टर ऑफ जीरो वेस्ट मैनेजमेंट, तो जीरो वेस्ट मैनेजमेंट का प्रमुख गुण क्या है, सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट एट सोर्स, सेपरेट कलेक्शन फॉर ईच टाइप, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इन ऑल एक्टिविटीज़ या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर ये सब होंगे, जब आप लेट से कि जो जीरो वेस्ट मैनेजमेंट है, तो यहाँ पर कचड़े का जो सोर्स है उसको अलग अलग करके रखेंगे, गीला कचड़ा सूखा कचड़ा, यहाँ पर सेपरेट करना है हर एक तरीके के कचड़े को, और कम्युनिटी को सभी चीज़ों के बारे में बताना है, लोगों को जागरूक करना है कि इससे होगा क्या, वेस्ट मैनेजमेंट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब कि सभी। अब आपको यहाँ पर जो समुद्र जो सी लेवल है, सी लेवल जो वाटर लेवल आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन वगैरह में कहीं पे भी बाहर की इस जगह की ऊंचाई सी लेवल से इतने पर है, तो अब यहाँ पर वही सी लेवल में यदि बढ़ोतरी होती है, बढ़ता है तो क्या होगा, जैसे बायो जियो फिजिकल इफेक्ट, क्लाइमेटिक इफेक्ट, सोशल इफेक्ट, नॉन क्लाइमेटिक इफेक्ट। तो जो यदि सी लेवल बढ़ता है तो किस तरीके के इफेक्ट, कौन से एग्जाम्पल होंगे यहाँ पे आपके, तो फर्स्ट में है आपका बायो जियो फिजिकल इफेक्ट, जैव भौतिकीय प्रभाव, क्या है जैव भौतिकीय प्रभाव है, जैव भौतिकीय प्रभाव होगा तो क्या होगा, खारे पानी का घुसपैठ, मतलब इंट्रूजन, क्या होगा यहाँ पर, ये होगा खारे पानी का इंट्रूजन। फिर है आपका जलवायु, तो जलवायु यदि बदलेगी तो तूफान आ सकते हैं, स्टॉर्म बदल सकते हैं। फिर सामाजिक में रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत होगी,
गैर जलवायु के कारण समुद्र के पानी के कारण बाढ़ आ सकती है, फ्लड हो सकता है, जो सुनामी वगैरह आ जाती हैं वो होंगे। तो आपका आंसर होना चाहिए ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। क्लियर। नेक्स्ट इज When did the government of India pass the Environmental Protection Act? भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया था? 1990 में, 1986 में, 1896 या 2000 में? कब पारित किया था? तो ये पारित किया गया था 1986 में, 1986 में। कब? 1986 में। नेक्स्ट है आपको विच एक्ट वॉज पास टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ अवर एनवायरमेंट? कौन से एक्ट को यहाँ पर पास किया गया था कि जो इन्वायरमेंट है उसकी गुणवत्ता सुरक्षा प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा यहाँ पर एक्ट लाया गया था? मेंटल हेल्थ केयर एक्ट, कोल माइन एक्ट, नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एक्ट या फिर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट? कौन सा एक्ट लाया गया था? जस्ट हमने अभी पढ़ा है इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए मेंटल हेल्थ एक्ट नहीं आएगा ना कोल माइन आएगा, इसके लिए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आएगा जो कि 1986 में आया था। अब यहाँ पे आपको फिर से जो फेजेस होती हैं कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन की वो बताना है। हमने बहुत पढ़ी हैं, अलग अलग क्वेश्चन में पढ़ी हैं, स्टेप पढ़े हैं, स्टेज पढ़ी हैं। अब वो स्टेज आपको दी हैं, इनको सीक्वेंस में लगाना है आपको। ऑर्गेनाइजेशनल फेज, एक्शन फेज, एक्सप्लोरेटरी फेज और डिस्कशन फेज, क्या आपका आंसर होगा? पहले आपकी आएगी एक्सप्लोरेटरी फेज, क्या होगी? एक्सप्लोरेटरी फेज। फिर होगा ऑर्गेनाइज करना है आपको, 3-1, कहाँ पर है 3-1? दो में है अभी तो। फिर आपको क्या करना है? फिर आपको डिस्कस करना है और लास्ट में एक्शन लेना है, मतलब 3-1-4-2। क्या है? 3-1-4-2। नेक्स्ट वन इज पब्लिक वाटर सिस्टम ऑफन यूज अ सीरीज ऑफ वाटर ट्रीटमेंट स्टेप्स दैट इंक्लूड। तो जो पब्लिक वाटर सिस्टम है, सार्वजनिक जल प्रणालियाँ हैं, तो जो पानी का ट्रीटमेंट किया जाता है किन स्टेप से होगा? रिसेंट में बेंगलोर में जहाँ मैं रहती हूँ स्पेशली बात करूँ, अप्रैल मई में पानी की बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्राइसिस थी। तो यहाँ की जो नगर पालिका है, नगर निगम वगैरह है, BBMP है, उन्होंने इवन जिन घरों में पानी स्टोरेज करने के लिए जो प्रॉपर गड्ढे वगैरह नहीं बनाए गए थे उन पे फाइन लगाया, और जो ऑलरेडी बिल्डिंग्स वगैरह बन रही थी कुछ कुछ में स्टे लगा दिया था, क्योंकि यहाँ पर वाटर स्टोरेज के लिए कुछ नहीं किया जा रहा था कि जो रेन वाटर है उसको तो कैसे स्टोर किया जाए। तो यहाँ पर जो पानी का वाटर ट्रीटमेंट है वो यहाँ पर स्टेप क्या होंगे? पब्लिक वाटर सिस्टम है, घर का पानी छानने की बात नहीं की जा रही है, बड़े बड़े प्लांट्स वगैरह होते हैं उनके लिए। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले कोआगुलेशन होगा, मतलब इकट्ठा किया जाएगा पानी। क्या किया जाएगा? इकट्ठा यहाँ पे पानी को है जो किया जाएगा। फिर आपका फ्लॉक्युलेशन होगा, क्या होगा? फ्लॉक्युलेशन होगा। फिर सेडिमेंटेशन होगा, आफ्टर सेडिमेंटेशन के बाद फिल्टर होगा, जब फिल्टर हो जाएगा देन आफ्टर डिसइंफेक्ट है जो पानी को किया जाएगा, एंड आफ्टर दैट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जो नदियों से पानी आता है उसको डायरेक्ट आपके पास नहीं भेजा जाएगा, पहले उनको डैम वगैरह में इकट्ठा किया जाता है, टंकियों में बड़ी बड़ी पानी जाता है, वहाँ पर पूरा है जो उनकी प्रोसेस होती है, देन आफ्टर आपके पास पानी आता है। तो क्या होगा? 3-5-4-1-2। क्या? 3-5-4-1-2। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग डे सेलिब्रेटेज वन इन्वायरमेंट डे? विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस हम कब मनाते हैं? 5 जून को। यहाँ पर कोई संदेह नहीं होना चाहिए आपको। हेल्थ डे, पर्यावरण डे, नर्सेस डे, ये जितने भी डे हमारी नर्सिंग के एग्जाम में आते हैं तो उनमें कोई कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है आपको एक स्टेटमेंट है और दूसरा स्टेटमेंट है, अब कौन से सही है कौन से गलत है। एक स्टेटमेंट में कहा गया है कि वायुमंडलीय स्थिरता महत्वपूर्ण है क्योंकि वह प्रदूषणों की वायुमंडल में लंबवत रूप से फैलने की क्षमता निर्धारित करती है, और दूसरे में कहा है कि भारत में गर्मी के मौसम में वातावरण आमतौर पर स्थिर रहता है। क्या यहाँ पे सही होगा?
तो गर्मियों में तो भाई अपने इंडिया में अलग अलग जगह का वेदर ही अलग अलग रहता है, तो स्थिर तो बिल्कुल नहीं है। तो मतलब एक सेकंड तो आपका गलत हो गया, अब आप देखिए गलत कहाँ पे है। तो बी और सी दोनों में दिया गया कि ये गलत है, तो मतलब आपका ए नहीं होगा और डी नहीं होगा। अब आपको पहले में क्या कहा गया है कि एटमोस्फेरिक स्टेबिलिटी इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट डिटरमाइंड द एबिलिटी ऑफ पॉल्यूटेंट्स टू डिस्पर्स वर्टिकली इन द एटमोस्फियर। ये सही है, मतलब आपका स्टेटमेंट वन सही है और दूसरा गलत है। तो कथन वन सही, यहाँ पे आपका क्या होगा, कथन वन सही है, कौन सा सही होगा? तो एक सही है और दूसरा गलत है, मतलब यहाँ पे होगा आपका स्टेटमेंट वन इज द ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज द फॉल्स। भारत में कभी भी समर में एक सा मौसम तो बिल्कुल नहीं रहता, आंधी पानी हवा सभी होना लगता है। नेक्स्ट है आपका एमएसएन। एमएसएन में जो क्वेश्चन है, एक साइड क्वेश्चन है और दूसरे साइड है जो उनकी डेफिशिय सॉरी डिसीज दी गई है, हाइपरोपिया, डिप्लोपिया, मायोपिया, एमेट्रोपिया, ऐसा भी आई से रिलेट करती हुई प्रॉब्लम है। हाइपरोपिया, डिप्लोपिया मतलब डबल डबल टाइप का विजन देखना, एमेट्रोपिया, एमेट्रोपिया का मतलब क्या होगा, मतलब कि रिफ्रैक्टिव एरर है जो एब्सेंट होना, डिप्लोपिया दैट मीन्स डबल विजन, बी का हो गया थर्ड, हाइपरोपिया मतलब फार साइटेडनेस, तब आपका आएगा ए का फोर हो गया, हाइपरोपिया मतलब फार साइटेडनेस, डिप्लोपिया मतलब कि डबल विजन, क्लियर, और मायोपिया मतलब नियर साइटेडनेस, पास कि जो निकट दृष्टि है, और एमेट्रोपिया मतलब कोई भी रिफ्रैक्टिव एरर है जो एब्सेंट है। नेक्स्ट वन, फॉलोइंग आर द नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर फॉर कोरोनरी आर्टरी डिसीज। नॉन मॉडिफाइबल मतलब जिनको हम नहीं बदल सकते हैं, हेरिडिटी नहीं बदल सकते हम, जेंडर नहीं बदल सकते, एज नहीं बदल सकते, लेकिन ओबेसिटी को तो चेंज कर सकते हैं। ये अलग हो गया, ये आपका मॉडिफाइबल हो गया। अब आपका आंसर क्या होना चाहिए, बी सी एंड डी। अब देखिए बी सी और डी कहाँ पर है, नॉन मॉडिफाइबल का मतलब है जिनको बदलना हमारे हाथ में नहीं है, ना हम अपनी उम्र बदल सकते हैं, ना जो हमारे जीन्स हैं हम उनको बदल सकते हैं, ना मेल फीमेल वाले हैं जो हम वो बदल सकते हैं, मतलब बी सी एंड डी। नेक्स्ट वन, विच हार्मोन प्ले की रोल इन मेंटेनेंस ऑफ फ्लूड वॉल्यूम। तो फ्लूड वॉल्यूम के लिए कौन से हार्मोन जरूरी हैं, एंटी डायोरेटिक, एल्डोस्टेरोन, एट्रियल नेट्रिओरेटिक पेप्टाइड सॉरी नेट्रिओरेटिक पेप्टाइड और कॉर्टिसोल, कौन से हैं जिनको हम हार्मोन है जो हमारे फ्लूड के लिए ज़रूरी हैं? तो वो हैं आपका ए बी सी डी, नहीं है कॉर्टिसोल नहीं है। नेक्स्ट वन इज अस्थमा इज बेसिकली कॉल्ड एज, तो अस्थमा क्या है, इन्फेक्शियस डिसीज, ऑटोइम्यून, एटोपिक या फिर मैलिग्नेंट। अस्थमा को जो ब्रोंकियो स्पाज्म होगा ये कहलाएगा एक एटोपिक डिसीज में आया, किसमें, एटोपिक में, ना तो ये मैलिग्नेंट है, ना ऑटोइम्यून है, ना इन्फेक्शियस है, क्या है, ऑटोपिक है। नेक्स्ट वन इज आपको कहा गया है कि सीवियरिटी ऑफ इंजरी के हिसाब से आपको क्या करना है, यहाँ पे अरेंज करना है ट्रियाज को बेस्ड ऑन सीवियरिटी, चोट की गंभीरता के अनुसार जो प्रायोरिटी होगी आप उसको अरेंज कीजिए। पहले में कहा गया है कि इंजरीज आर माइनर एंड ट्रीटमेंट कैन बी डिलेड आवर 2 डेज, चोटें मामूली होती हैं और इलाज के घंटों इलाज में घंटों से लेकिन कई दिनों तक की देरी हो सकती है। दूसरे में कहा है इंजरीज आर लाइफ थ्रेटनिंग बट सर्वाइवल विथ मिनिमल इंटरवेंशन, चोटें जीवन के लिए खतरा है लेकिन न्यूनतम हस्तक्षेप से बचा सकते हैं। इंजरीज आर सिग्निफिकेंट एंड रिक्वायर मेडिकल केयर बट कैन वेट आवर विदाउट थ्रेट टू लाइफ। इंजरीज क्या है, गंभीर है लेकिन चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता है, लेकिन ये क्या है, जान का खतरा इसमें नहीं है। लास्ट में कहा है कि इंजरीज आर एक्सटेंसिव एंड चांसेस ऑफ सर्वाइवल आर अनलाइकली इवन विथ डेफिनेटिव केयर, यदि हमने अच्छी केयर भी दी तब भी है जो जान बचने के चांसेस कम है। अब आपको यहाँ पे अरेंज करना है कि आपका सही सीक्वेंस क्या होगा, अकॉर्डिंग टू मेरे बी सी ए डी होना चाहिए,
बी क्यों लाइफ थ्रेटनिंग है लेकिन सर्वाइवल चांसेस थोड़ी सी भी हस्तक्षेप, यदि किसी की जान थोड़ी सी केयर से बच सकती है तो आप क्यों नहीं ये करेंगे, तो फर्स्ट हो जाएगा आपका। फिर सिग्निफिकेंट है लेकिन वेट कर सकते हैं, यहाँ पर मतलब इंजरीज क्या है, यहाँ पे जानलेवा है लेकिन जान बच जाएगी, उतनी दिक्कत नहीं है। फिर है माइनर ट्रीटमेंट के लिए, लास्ट में तो कहा है कि जैसे बहुत ज़्यादा चोटें लगी हैं, 10 लोग हैं आपके पास, ट्रियाज की बात यहाँ पे की जा रही, बेस्ड ऑन प्रायोरिटी ट्रीटमेंट किसको देंगे आप, तो यदि किसी की थोड़ी सी केयर से जान बच सकती है तो आप पहले उसको देखेंगे, फिर कुछ घंटों तक वेट कर सकता है उसको देखेंगे, फिर जिसको माइनर चोट है उनको देखेंगे, और जिसको आपने बहुत केयर करके भी नहीं बचा पाएंगे उसको आप लास्ट में ही देखेंगे, एज पर ट्रियाज है जो यही रूल है जो यहाँ पे अपनाया जाता है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज प्रोटोन पंप इनहिबिटर, प्रोटोन पंप इनहिबिटर कब दिए जाते हैं, जब किसी को एसिडिटी वगैरह बहुत ज़्यादा होती है या कुछ मेडिकेशन देने के पहले ही है जो प्रोटोन पंप इनहिबिटर है जो दिए जाते हैं, और वो होगी यहाँ पर ओमेप्राजोल, क्या होगी ओमेप्राजोल। अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ शॉक इन ऑर्डर, अब यहाँ पे शॉक की स्टेज जमाइए, आप लोग देखिए कितने क्वेश्चन हैं, स्टेज स्टेप प्रायोरिटी वाइज जो आपके इस पेपर में कवर आपको हो रहे हैं, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो नए नए भी लग रहे होंगे, लेकिन नए हैं नहीं, एक क्वेश्चन में पाँच पाँच क्वेश्चन तक ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ पर शॉक का जो स्टेजेस हैं वो कौन सी सिक्वेंस आपका होगा, तो पहली तो होती है इनिशियल, फिर होती है कंपनसेटरी, क्या होगी पहले होगी इनिशियल मतलब वन, डी कहाँ पर है तो यहाँ पर तो दो में हो गया है, तो बी और सी में से कुछ एक होगा आपका। फिर होती है कंपनसेटरी, फिर होती है आपकी प्रोग्रेसिव, लास्ट आती है इरिवर्सिबल, मतलब आपकी क्या है डी ए सी बी, क्या है डी ए सी बी, पहले आपका क्या होगा डी मतलब इनिशियल स्टेज में है, फिर क्षतिपूर्ति स्टेज आएगी आपकी, फिर होगी प्रगतिशील मतलब प्रोग्रेसिव हो रही है, लास्ट में अपरिवर्तनीय स्टेज। नेक्स्ट है प्रेशर कॉज्ड बाय वाटर वॉल्यूम इन ब्लड वेसल दैट इज कॉल्ड, तो रक्त वाहिकाओं में पानी की मात्रा के कारण होने वाले दबाव को क्या कहेंगे, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ऑन्कोटिक, ऑस्मोटिक या फिर नन ऑफ द अबव, यदि जो हमारा ब्लड में पानी के वॉल्यूम के कारण जो प्रेशर पड़ रहा है वो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहलाएगा, कौन सा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, पानी के दबाव के कारण पूछा है क्योंकि हाइड्रो मतलब वाटर। नेक्स्ट द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का मेन रीजन है जो क्या हो सकता है, एडहेशन, हर्निया, वॉल्यूलस या फिर न्यूप्लाज्म, मोस्ट कॉमन रीजन पूछा है तो एडहेशन, कोई पार्ट है जो कहीं और से आके जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर वही है क्या है अधेशन मतलब जुड़ना। नेक्स्ट है हमारी साइकेट्रिक, तो साइकेट्रिक का हम एक ही क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इसके आगे के 40 क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे, इस क्वेश्चन को आपके लिए छोड़ा जाएगा, आप लोग आंसर देना, कल मॉर्निंग में ही आपको जो हाफ रिमेनिंग पेपर है वो भी सॉल्व करवा दिया जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया है अ शॉर्ट टर्म गोल फॉर पेशेंट विथ अल्जाइमर्स डिसीज, तो अल्जाइमर वाले मरीज के लिए शॉर्ट टर्म गोल क्या है, ऑप्शन में इम्प्रूव्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग इन एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, इम्प्रूव्ड फंक्शनिंग इन द लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट, रीगेन सेंसरी परसेप्शन एंड कॉग्निटिव फंक्शन या फिर इंक्रीज सेल्फ स्टीम एंड इम्प्रूव्ड सेल्फ कॉन्सेप्ट। साइकेट्रिक के 10 क्वेश्चन हैं, फिर आफ्टर दैट गायनिक भी है आपकी, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग भी है, सभी हैं आपको, तो यहाँ पर मेंटल हेल्थ नर्सिंग और साइकेट्रिक का जो क्वेश्चन नंबर 61 है इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि अल्जाइमर वाले पेशेंट में शॉर्ट टर्म गोल है हमारा क्या होगा। आपको मैं एक हिंट भी कर देती हूँ, आपको ऑप्शन होगा बी या फिर ए, ए और बी इन दो में से आपको एक ऑप्शन होगा। क्लियर, आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, और मैं बता दूँ कि ये पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का पेपर है, आप अंदाज़ा लगाइए कि पोस्ट बेसिक बीएससी का पेपर इतना ख़तरनाक सा है, तो आपको अपकमिंग जब आप एग्ज़ाम देंगे तो किस तरीके से होंगे, और पेपर ए भी 2024 का ही है, और जिन्होंने अभी तक बुक्स ऑर्डर नहीं किए बुक ऑर्डर कीजिए आप लोग, फ्लिपकार्ट पर भी बुक आपको अवेलेबल है, डायरेक्ट ऑर्डर भी आप कर सकते हैं, डायरेक्ट में भी आपको अच्छा खासा ऑफ़र मिल रहा है, और फ्लिपकार्ट में भी ऑफ़र है जो आज से ही, और ऑफ़र है जो बढ़ा दिए गए हैं, तो आप लोग बुक को ऑर्डर कर सकते हैं, कोई भी डाउट रह जाए आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं उससे व्हाट्सएप पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय, टेक केयर।